परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से परमेश्वर ने यह समय हम सबको दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर थोड़ी देर मनन कर सकें, थोड़ी देर उसके ऊपर अध्ययन कर सकें। और परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह हुआ कि जब सब कुछ बंद हो रखा है, लॉकडाउन हो रखा है और पूरा भारत जो है वो लगभग बंद है, लेकिन परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर का वचन जो है उसको उसकी कोई भी रोक नहीं है। परमेश्वर का वचन इस लॉकडाउन के अंदर भी फैलता चला जा रहा है। और मैं ऐसा सोचता हूं कि जितना वचन पहले फैल रहा था जब लॉकडाउन नहीं था, कोरोना वायरस नहीं था, उससे भी ज्यादा वचन का प्रचार जो है वो इस समय किया जा रहा है। और लोग परमेश्वर के वचन को उसकी गंभीरता को एक नए तरीके से आज समझते चले जा रहे हैं। तो परमेश्वर ने ऐसा अवसर हमको दिया कि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर इस समय चर्चा कर सकें। तो आज शाम को कुछ देर, ज्यादा देर नहीं, लेकिन कुछ देर हम परमेश्वर के वचन के ऊपर एक दूसरे नजरिए से ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और आज शाम को मैं 5 ऐसी बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं, 5 ऐसे एविडेंसेस या 5 ऐसे प्रमाण आपके सामने रखने जा रहा हूं जो सीधे तौर पर आपके सामने इस बात को ला करके रख देंगे कि वास्तव में अब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल होने के कगार पर आकर के खड़े हो गए। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन कभी भी हो सकता है। हो सकता है हमारे जीवित रहते ही यीशु मसीह वापस आ जाए, हो सकता है कि हम ही वो धन्य पीढ़ी हो जिसका बादलों पर उठाया जाना हो, जिसके बारे में नए नियम के अंदर भविष्यवाणियां दी हुई। तो आज ऐसे 5 प्रमाणों को हम देखने जा रहे हैं, उनको समझने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से आप आज के संदेश को सुने। मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा, लेकिन जितनी भी बातें मैं बोलूंगा, यदि वो बातें आपके मस्तिष्क में साफ हो गई तो फिर आपका भविष्य का जीवन जो होगा वो लापरवाही के अंदर नहीं बीतेगा, लेकिन आप तैयारी के अंदर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बन जाएंगे। तो एक वचन को हम पढ़ लेते हैं और वहां से अपने आज के संदेश की बुनियाद को हम डाल देते हैं और उसके बाद हम अपने संदेश के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 28वें वचन को इस समय मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, जहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो मसीही लोगों के विषय में बताई हुई है। सिर्फ एक ही वचन को हम पढ़ेंगे और उसके ऊपर ही हम आज के अपने संदेश को फोकस करेंगे। तो इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसके 28वें वचन में लिखा है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। यहां पर इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसके 28वें वचन के अंदर इब्रानियों का लेखक इस बात को कहता है कि यीशु मसीह पहली बार जब प्रकट हुआ था तो वो उद्धार का काम करने के लिए प्रकट हुआ था। यीशु मसीह को किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने ऐसी योजना बनाई थी कि परमेश्वर ने यीशु को संसार में सबके पापों के लिए बलिदान होने के लिए भेजा था। लेकिन आगे का वचन जो है, जो इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय उसका 28वें पद में लिखा हुआ है, वहां पर इब्रानियों का लेखक कहता है कि लेकिन अब दूसरी बार यीशु मसीह बिना पाप के दिखाई देगा। पहले जब वो आया था तो पाप उठाने के लिए आया था, लेकिन अब की बार जब वो आएगा तो बिना पाप उठाए हुए वो दिखाई देगा। और किन लोगों के लिए दिखाई देगा? सिर्फ उन लोगों के लिए दिखाई देगा जो उसके आने की बाट जो रहे हैं। यीशु मसीह सारे मसीहों के लिए नहीं आ रहा है, यहां पर इस बात को साफ किया गया है। यीशु मसीह सारे मसीहों के लिए नहीं आ रहा है, यहां पर साफ तौर से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सिर्फ उन लोगों के लिए आ रहा है जो उसके आने के, उसके आगमन की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो मसीही लोग जो यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ उनके लिए ही यीशु मसीह वापस आ रहा है।
जिन लोगों को यीशु मसीह के आगमन से कोई मतलब ही नहीं है, उसके आगमन को वो चाहते ही नहीं है, उनके लिए यीशु मसीह वापस नहीं आ रहा है। और देखिए, आज हम कलीसियाई इतिहास के एक ऐसे मुहाने पर आकर के खड़े हो गए हैं जब मसीहत जो है और मसीही लोग जो हैं वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सबसे ज्यादा विरोध करने में लग गए। यदि आज मसीहत के अंदर प्रचार किया जाए तो सुसमाचार का प्रचार किया जाए, मसीहों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मीठी मीठी बातों का प्रचार किया जाए, आशीषों की बातें की जाए, चंगाई की बातें की जाए या आपकी काउंसलिंग की जाए तो मसीही लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। भविष्यवाणियां की जाए तो मसीही लोगों को कोई परेशानी नहीं आती। लेकिन जैसे ही अंत के दिनों का प्रचार किया जाता है या ये बोला जाता है कि बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह आने वाला है, तो मसीही लोग जो है उनको वो व्याकुल होने शुरू हो जाते हैं और वो उस बात का, उस संदेश का विरोध करना शुरू कर देते हैं। तो आज यीशु मसीह के दूसरे आगमन की सब बात नहीं जो रहे हैं, सारे के सारे मसीही लोग एक मन होकर के यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बात नहीं जो रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मसीही लोग जो हैं वो इस बात को चाहते ही नहीं है कि यीशु मसीह वापस आ जाए। क्यों नहीं चाहते हैं? क्योंकि यदि यीशु मसीह वापस आ गया तो फिर उनका जो आराम है उसके अंदर खलल पड़ जाए। और मसीही लोग बाइबल की भविष्यवाणियों का और अंत के दिनों का जो क्लियर कट साइन बाइबल में दिए हुए हैं कि यीशु के आने से पहले क्या होगा, उन बातों का विरोध करने में लगे हुए। और देखिए, प्रथम शताब्दी के अंदर भी, जो प्रथम शताब्दी की कलीसिया थी उसके अंदर भी कुछ लोग आ गए थे। प्रेरितों के मरने के बाद जब यूहन्ना की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कई ऐसे लोग कलीसिया में आ गए थे प्रथम शताब्दी में भी, जो यीशु के दूसरे आगमन का और बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करने में लग गए थे। और उस जमाने के अंदर एक कलीसियाई अगुआ हुआ करता था जिसका नाम था एफ्रेम द सीरियन। और जो अर्ली चर्च फादर था एफ्रेम द सीरियन, उसने उस जमाने में यानी प्रथम शताब्दी में एक पुस्तक को लिखा था और उस पुस्तक में उसने मसीही लोगों को फटकार लगाई थी और उसने इस बात को कहा था कि तुम क्यों बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहते हो, तुम क्यों तैयारी करने में अपना जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हो। उसने कलीसिया को फटकार लगाई थी और उसने कहा था कि आमोस की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे दिन की बाट क्यों जोते हो, मेरे दिन से तुमको क्या लाभ होगा। और एफ्रेम द सीरियन ने कहा था कि बाइबल की भविष्यवाणियां तो पूरी होंगी ही होंगी, लेकिन उस जमाने के मसीही लोग कहते थे कि जब तक हम अपनी आंखों के सामने बाइबल की एक एक भविष्यवाणी को पूरा होते हुए नहीं देख लेंगे, हम तो विश्वास करेंगे ही नहीं। और एफ्रेम द सीरियन ने आमोस की भविष्यवाणी को लेकर के कहा था कि परमेश्वर कहता है कि तुम मेरे दिन की बाट क्यों जोते हो, मेरे दिन से तुमको क्या लाभ होगा। और एफ्रेम द सीरियन ने कहा था कि बाइबल की भविष्यवाणियां तो एक ही पूरी हो जाएंगी और तुम अपनी आंखों के सामने भी उनको पूरा होते हुए देख लोगे, लेकिन जब तुम्हारी आंखों के सामने बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी हो जाएंगी तो उससे तुमको क्या लाभ होगा, क्योंकि तुम तो तैयार बिल्कुल भी नहीं होगे और कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा और तुम पीछे छूट जाओ। तो बाइबल की भविष्यवाणियां जो हैं ये हमको तैयारी करने के लिए दी हुई है ताकि हम अपने आत्मिक जीवन को यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार कर सके। हम अंत के दिनों में हैं, हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस फैक्ट को जान करके जब हम अपने तैयारी के अंदर जीवन बिताते हैं तो फिर हम एक सेफ साइड के अंदर आ जाते हैं। और देखिए आज क्या हो रहा है, हम ये कह सकते हैं हो सकता है अंत के दिन या यीशु मसीह का दूसरा आगमन अभी ना हो, लेकिन आज जिस तरह से लोग मरते चले जा रहे हैं बीमारियों के कारण, चाहे कोरोना वायरस हो या दूसरी कोई सी भी बड़ी बीमारी हो, यदि लोग आज मरते चले जा रहे हैं तो लोगों के अंत के दिनों की शुरुआत तो वैसे ही हो चुकी है।
वैसे ही लोगों के अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है। अगर आज किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके लिए तो अंत का दिन आज ही आ जाए, और यदि उसके बावजूद लोग बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करेंगे तो कैसे फिर वो तैयारी कर सकेंगे, कैसे वो अंत के दिनों की अंत के दिनों के लिए अपने आप को तैयार कर सके। तो यहां पर इब्रानियों का लेखक जो है वो इस बात को कहता है कि यीशु मसीह सिर्फ उन लोगों के लिए वापस आ रहा है जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, जो उसके आने से प्रेम रखते हैं, जो चाहते हैं कि यीशु मसीह वापस आ जाए, सिर्फ उनके लिए ही यीशु मसीह वापस आ रहा है, बाकी किसी के लिए भी यीशु मसीह वापस नहीं आ रहा है। और यीशु मसीह वापस आ रहा है इसके 5 प्रमाण आज मैं आपके सामने बाइबल से रखने जा रहा हूं, जो आपको ये एविडेंस उपलब्ध करा देंगे कि वास्तव में अब हम अंत के दिनों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यीशु मसीह कभी भी कलीसिया को बादलों में लेने के लिए वापस आ सकता है। तो जो पहली भविष्यवाणी आज हम देखने जा रहे हैं वो हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और उसके 8वें वचन से, जहां पर खुद यीशु ने अपने दूसरे आगमन का एक चिन्ह बताया था और यीशु ने इस बात को कहा था कि जब यीशु मसीह वापस आएगा तो उस समय क्या वो विश्वास को मसीही लोगों में पाएगा। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जब मैं वापस इस पृथ्वी पर आऊंगा, चाहे रैप्चर के समय आऊं चाहे सेकंड कमिंग के ऊपर आऊं, लेकिन जब भी मैं वापस आऊंगा तो क्या मुझको पृथ्वी पर मसीही लोगों में विश्वास देखने को मिलेगा, क्या मसीहों के अंदर ये विश्वास उस समय पाया जाएगा कि मैं वापस आ भी सकता हूं। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा मैंने शुरुआत के अंदर कहा कि मसीही लोगों के अंदर वो विश्वास पाया ही नहीं जाता है, उनको विश्वास ही नहीं है कि यीशु मसीह कभी वापस आ सकता है, और वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के सबसे बड़े विरोधी बनते चले जा रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझको सालों साल हो गए हैं बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर प्रचार करते हुए, और अनेक मसीही लोग हैं वो बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी यीशु मसीह वापस नहीं आएगा, अभी तो सिर्फ सुसमाचार प्रचार करो, अभी तो मीठी मीठी बातों का प्रचार करो, लोगों को डराने की जरूरत नहीं। देखिए मसीही लोगों का एक नया फंडा आज आ गया है, जब बाइबल की भविष्यवाणियों की बात की जाती है तो मसीही लोग डरना शुरू कर देते हैं, और डरते क्यों हैं, क्योंकि उनका जीवन पाप में डूबा हुआ है। वो तुरंत इस बात का एनालिसिस कर लेते हैं कि यदि आज यीशु मसीह आ गया तो हमारे लिए तो स्वर्ग के फाटक जो है वो नहीं खुलेंगे, वो एनालाइज कर लेते हैं, और इसीलिए वो डर जाते हैं और वो बाइबल की भविष्यवाणियों का विरोध करते हैं, और वो कहते हैं कि देखो हमको डराओ मत, हमको बाइबल से अच्छी अच्छी बातें बताओ, हमको इंकरेज करो, आप तो हमको डिप्रेस कर रहे हैं। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, वो उदाहरण मेरा नहीं है, किसी और का है, लेकिन देखिए आपके घर के अंदर यदि सांप घुस जाए, मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जिन बेचारों को नींद आ रही है वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, आपके घर के अंदर अगर सांप घुस जाए और मैं उस सांप को आपके घर के अंदर घुसते हुए और किसी चीज के पीछे छिपते हुए देख लूं, और मैं आकर के आपको कहूं कि आपके घर के अंदर एक सांप घुस गया है और वो सांप जो है वो फलाने चीज के पीछे छिपा हुआ है, तो आप मुझको क्या कहेंगे कि ब्रदर बहुत बहुत धन्यवाद हो कि आपने बता दिया कि मेरे घर के अंदर सांप घुसा हुआ है, या आप मुझसे ये कहेंगे कि ब्रदर देखिए आप मुझको डराओ मत ये बता करके कि मेरे घर के अंदर सांप घुसा हुआ है, आपने तो ये बता करके मुझको बहुत डरा दिया, मुझको इंकरेजमेंट वाली बातें बताओ कि सांप तो घर में घुसा रहे, लेकिन आप मुझको इंकरेज करो कि देखो सांप घुसा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, परमेश्वर की आशीष आपको मिलेगी, आप बचे रहोगे, और परमेश्वर में प्रार्थना करूंगा कि वो सांप आपको काटे भी नहीं। और वही हाल आज मसीही लोगों का हो गया है,
जब उनको उनके पापों के विषय में बताया जाता है, जब भविष्यवाणियों के विषय में बताया जाता है, नरक की सच्चाई को उनको बताया जाता है, तो वो कहते हैं कि ये प्रचारक जो है वो तो हमको डरा रहा है। जबकि उनके जीवन में पाप रूपी सांप घुसे हुए हैं, उनके बारे में यदि उनको बताया जा रहा है, सचेत किया जा रहा है, तो वो उल्टा प्रचारक के ऊपर दोष लगाने लगते हैं कि ये प्रचारक सही नहीं है, ये तो हमको मीठी बातें नहीं बता रहा है, इनकरेजमेंट वाली बातें नहीं बता रहा है। यीशु ने कहा कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास को पाऊंगा, यीशु ने इस बात को कहा था। देखिए YouTube के ऊपर मसीही लोग तो बाइबल की भविष्यवाणियों का और यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विरोध करने में लगे हुए ही हैं, अनेकों अनेक मसीह। लेकिन YouTube जो है उसके सर्वर के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग उन्होंने करी हुई है। अब मैं मसीहों की बात नहीं कर रहा हूं, कई सारे मसीही लोग जो है, मसीही लोगों का एक सेक्शन जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सबसे बड़ा विरोधी बन चुका है भारत में भी। अब YouTube जो है उसने अपने सर्वर के अंदर ऐसी प्रोग्रामिंग की हुई है कि यदि आप YouTube के ऊपर #बाइबल प्रोफेसी डालेंगे तो YouTube का सर्वर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यदि आप #सेकंड कमिंग डालेंगे तो ये YouTube का सर्वर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, डिलीट कर देगा अपने आप ही। यदि आप YouTube पे #सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट डालेंगे तो वो उसको रिमूव कर देगा, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विरोध किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को यदि आप #NewWorldOrder करेंगे, जो इस बात का भांडा फोड़ेंगे, पर्दाफाश करेंगे कि किस प्रकार से शैतान का काम हो रहा है, तो YouTube का सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और कई सारे कंटेंट्स जो है वो YouTube अपने आप ही, उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कई सारा कंटेंट जो सेकंड कमिंग से रिलेटेड है वो अपने आप ही डिलीट कर देता है, अपने आप ही रिस्ट्रिक्टेड कर देता है। तो मसीही लोगों का एक सेक्शन तो यीशु के दूसरे आगमन का विरोधी है ही, लेकिन दूसरे लोग भी यीशु मसीह के दूसरे आगमन का विरोध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजाओं का राजा यदि आ गया तो फिर बहुत गड़बड़ उन लोगों के लिए हो जानी। दूसरी ओर आज जो बाइबल्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंग्लिश के कई सारे बाइबल वर्जन्स जो हैं, उसमें से यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित जो वर्सेस हैं उनको हटा दिया गया है। और देखिए आज मसीही लोग जो हैं वो चर्च तो जाते हैं, एक जमाने में हाथ में बाइबल लेकर के जाते थे, लेकिन आज तो कई सारे पास्टर्स लोग जो है उन्होंने भी मोबाइल की बाइबल इस्तेमाल करनी शुरू कर दी, मोबाइल लेकर के खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको पता ही नहीं है कि जो मोबाइल एप्स वाली बाइबल है, वो अधिकांश मोबाइल एप्स वाली बाइबल जो है उसमें से वर्सेस को ट्विस्ट कर दिया गया है, घुमा दिया गया है। और जहां पर यीशु मसीह को एक लौता पुत्र कहा गया है बाइबल में परमेश्वर का, कई सारे बाइबल वर्जन्स जो हैं, मोबाइल एप्स जो हैं, उसके अंदर यीशु मसीह को परमेश्वर का कई सारे पवित्रों में से एक पवित्र बताया है। समझ रहे? जहां बाइबल के अंदर यीशु को परमेश्वर का एक लौता पुत्र कहा गया है, कई सारे बाइबल वर्जन्स में अब उसको कई सारे पवित्रों में से एक पवित्र बताया गया है। तो यीशु मसीह के दूसरे आगमन से संबंधित कई सारी वर्सेस को इंग्लिश बाइबल के कई सारे वर्जन्स में से हटा दिया गया। यीशु मसीह ने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास को पाऊंगा, और वही का वही आज हो रहा है। मसीही लोगों के एक तबके को विश्वास नहीं है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है। दूसरी ओर दूसरे लोग जो हैं, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन को चाहते ही नहीं है, वो लोग भी यीशु के दूसरे आगमन की शिक्षाओं को डिलीट करते चले जा रहे हैं, हटाते चले जा रहे हैं। और देखिए आज मसीही लोग जो हैं वो हर प्रकार के संदेशों का प्रचार करते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संदेशों का प्रचार नहीं करते। इस तरह से वो बाइबल के अंदर से वर्सेस को डिलीट कर रहे हैं। यदि आप भी सब कुछ प्रचार करते हैं और यीशु के दूसरे आगमन के बारे में लोगों को नहीं बताते हैं, तो आप रबर लेकर के बाइबल की वर्सेस को मिटा रहे हैं, आप बाइबल में से यीशु मसीह को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल की सबसे बड़ी प्रतिज्ञा जो है
वो ये है कि यीशु मसीह वापस इस संसार में आए। कभी किसी ने सोचा था कि कोरोना वायरस इस दुनिया के अंदर आ सकता है? कभी किसी ने सोचा था कि एक साथ पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन लग सकता है? लेकिन वैसा भी हो गया। कभी किसी ने सोचा था कि 10वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनको फ्री फोकट के अंदर 11वीं क्लास के अंदर चढ़ा दिया जाएगा, वो भी भारत जैसे देश में? वो भी हो गया। तो जब ये असंभव चीजें हो सकती हैं, तो जिस चीज की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वो कैसे नहीं हो सकता है? यीशु मसीह भी किसी ना किसी दिन अचानक से ही कलीसिया को लेने के लिए आ जाए। तो बिल्कुल वैसा हो रहा है। यीशु ने कहा था, जब मैं वापस आऊंगा तो क्या पृथ्वी पर वो विश्वास मैं पाऊंगा? उधर आप इंग्लैंड जाएं तो इंग्लैंड के अंदर आपको बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए दिख जाएंगे सड़कों पर, बसेस के ऊपर, जिन पे लिखा रहता है देयर इज नो गॉड। वो तो परमेश्वर को ही नहीं मान रहे, तो यीशु मसीह का तो नंबर ही नहीं लगना है। तो पहला प्रमाण यह है कि यीशु मसीह वापस आ रहा है, वो ये है कि आज मसीही लोगों ने यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जो प्रतिज्ञा थी उसको उन्होंने छोड़ दिया है। देखिए, बाइबल का जो नया नियम है, नए नियम के लगभग लगभग हर अध्याय के अंदर इस बात को बताया गया है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, लगभग लगभग हर अध्याय में। लेकिन उसके बावजूद आज हमको यीशु के दूसरे आगमन के ऊपर विश्वास नहीं। अब दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा प्रमाण जो है वो प्रकाशित वाक्य के अंदर दिया हुआ है, और प्रकाशित वाक्य के अंदर दो बार एक ही बात को दोहराया गया है। और क्या दोहराया गया है? प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय नवा वचन, और प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 11वां वचन पढ़ेंगे। यानी प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय उसका नवा वचन और 11वां वचन पढ़ेंगे, तो दोनों वचनों में एक ही बात को रिपीट किया गया है। और वो बात क्या है? वो बात यह है कि अंत के दिनों में इतनी विपत्तियां पृथ्वी के ऊपर आएंगी, और जब जब पृथ्वी के ऊपर विपत्तियां आएंगी तो लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, अपने बुरे कामों से नहीं फिरेंगे, लेकिन उल्टा वो क्या करेंगे? वो परमेश्वर की ही निंदा करना शुरू कर देंगे। जितनी विपत्तियां पृथ्वी पर अंत के दिनों में आएंगी, वहां पर लिखा हुआ है, दो बार लिखा हुआ है। दो बार का मतलब है कंफर्म है वो बात, गवाही दे रहा है वचन दो बार इस बात को बता करके कि अंत के दिनों में जब विपत्तियां पृथ्वी पर आएंगी तो अंत के दिनों के लोग परमेश्वर की निंदा करेंगे और अपने बुरे कामों से मन नहीं फिराएंगे। और आज हम उस जमाने के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं जब बिल्कुल ऐसा का ऐसा होना शुरू हो गया है। आज ही कोरोना वायरस आया है, एक नई बीमारी, एक नई महामारी आई है, और इतनी भयानक महामारी आई है और इसने पूरी दुनिया को जड़ से हिला करके रख दिया, वैज्ञानिकों को जड़ से हिला करके रख दिया जो घमंड करते थे अपने ज्ञान पर। इतना सब कुछ आज हो रहा है, लेकिन दुनिया के अंदर लाखों लोग मर गए, करोड़ों लोग इन्फेक्टेड हो गए, लेकिन उसके बावजूद लोग मन नहीं फिरा रहे। कैसे नहीं फिरा रहे हैं? मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये न्यूयॉर्क के जो गवर्नर हैं, ये उनकी तस्वीर है, आप यहां पर देख सकते हैं। और न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पिछले साल यानी 2020 में जब एक जर्नलिस्ट जो थी, जब वो उनका इंटरव्यू ले रही थी, जब न्यूयॉर्क के अंदर बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैला हुआ था, तो जो रिपोर्टर थी उसने कुछ और क्वेश्चन पूछा था, और जो न्यूयॉर्क के गवर्नर थे उन्होंने कुछ और जवाब दिया था। देखिए, न्यूयॉर्क के जो गवर्नर थे उनसे रिपोर्टर ने पूछा था कि न्यूयॉर्क के अंदर कोरोना वायरस कितना ज्यादा काबू में आया है, लेकिन जो गवर्नर महोदय थे न्यूयॉर्क के, उन्होंने रिपोर्टर की बात का जवाब देने की बजाय उन्होंने इस बात को कहा था कि कोरोना वायरस को परमेश्वर ने नहीं, लेकिन कोरोना वायरस को हमने फैलने से रोका है। यानी सीधे तौर पर इस बात को बता रहा कि परमेश्वर हमारे सामने कोई वक्त नहीं रखता है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, कोई औकात नहीं रखता है। प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा हुआ है? और बिल्कुल वैसा का वैसा हमको देखने को मिल रहा है। भारत के अंदर कोरोना वायरस फैला हुआ है,
और कई सारे नॉन क्रिश्चियन लोग जो कि हीलिंग मिनिस्टर्स का विरोध करते हैं वो आज इस बात को फेसबुक के ऊपर लिख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम्स बना रहे हैं कि ईसाई लोग इतनी बीमारियों को जब चंगा कर सकते हैं तो ये ईसाई प्रचारक जो है वो कोरोना वायरस को ठीक क्यों नहीं कर रहे। वही बात जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है कि उन विपत्तियों के कारण लोग मन नहीं फिराना चाहेंगे लेकिन परमेश्वर के नाम की ही निंदा वो करते रहेंगे। और आज कोरोना वायरस के कारण आप देख लीजिए कितने मसीही परिवारों के अंदर मृत्यु हुई है, कितने मसीही परिवारों, और मैं कितने मसीही परिवारों के बारे में जानता हूं कि उनके घरों के अंदर जब इस बीमारी के कारण मृत्यु हुई तो उनमें से कई सारे लोग इस बात को आज बोलते फिर रहे हैं कि यदि परमेश्वर होता तो हमारे परिवार के अंदर ऐसी विपत्ति को वो आने ही नहीं देता। समझ रहे हैं? वही बात, विपत्तियां आई हैं, विपत्तियों के कारण मन फिराने की बजाय परमेश्वर की ही निंदा करने में लगे हुए हैं। देखिए, जब कोरोना वायरस भी नहीं आया था उससे पहले मैं एक जगह के ऊपर प्रचार करने गया हुआ था और जब मैं प्रचार कर रहा था तो सामने की तरफ एक लेडी बैठी हुई थी और मेरा प्रचार जो था उसको सुन करके वो लेडी जो थी इतनी भयानक रूप से डर गई कि उनको उसी समय वो बेहोश होकर के वहां पर गिर गई, उनको अस्पताल ले जाया। और जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां पर उनकी बेटी भी मौजूद थी, उससे चर्च के सदस्यों ने कहा कि बेटी चर्च में ही हो, परमेश्वर से प्रार्थना करो कि मम्मा को कुछ ना हो। तो वो बेटी जो थी जो परमेश्वर के भवन में खड़ी हुई थी उसने सीधे तौर पर पास्टर लोगों को कहा, उस कलीसिया के पास्टर लोगों को कहा कि ऐसे परमेश्वर से क्या प्रार्थना करनी जो जो अपने भक्तों को अपने भवन के अंदर भी बचा नहीं पाए। समझ रहे हैं बात को? इतनी नफरत परमेश्वर के लिए लोगों के मनों में, और किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, मसीही लोगों की ही बात कर रहा, इतनी नफरत परमेश्वर के लिए मनों के अंदर भरी हुई है और परमेश्वर के भवन के अंदर बैठ करके वो चाहते हैं कि परमेश्वर उनको आशीष प्रदान कर, इतनी नफरत। कहीं यही वो कारण तो नहीं है कि परमेश्वर ने हम सबको लात मार के कलीसियाओं से बाहर निकाल करके कलीसियाओं के दरवाजों के ऊपर लॉक लगा दिया? कहीं ये वो कारण तो नहीं? आज हर जगह लॉक लगे हुए हैं, परमेश्वर के भवन में ही भी लॉक लगे हुए हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि ये मेरे भवन में आए, इनको कोई मेरे भवन से बाहर निकाल दे ताकि द्वार जो है वो बंद कर दिए जाए। कहीं आज परमेश्वर ने हमारे साथ वैसा तो नहीं कर दिया? थोड़े दिनों के लिए हम वापस से कलीसियाओं में गए और उसके बाद वापस से परमेश्वर ने हमारे मुंह के दरवाजों को बंद कर दिया। परमेश्वर ने जब अपने भवन के दरवाजों को हमारे मुंह पर बंद कर दिया यानी कि हमको सचेत हो जाना चाहिए। एक बात आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुने, जिन विचारों को अब तक नींद आ चुकी है वो भी मेरी बात को बहुत ध्यान से सुने। यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद 70 एडी जो हुआ था जिसमें रोमन्स ने परमेश्वर का पूरा मंदिर जो था उसको ढहा दिया था, तोड़ दिया था, लेकिन 70 एडी में यानी यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जो रोमन्स ने मंदिर का विनाश किया उससे 4 साल पहले यानी 66 एडी में 66 एडी से लेकर के 70 एडी तक रोज रात को यरूशलेम के मंदिर के अंदर एक चिन्ह प्रकट होता था जिसको देख करके यहूदी लोग थरथर कांपने लग गए थे और इस बात को समझ गए थे कि परमेश्वर जो है वो यहूदियों से भयानक रूप से नाराज हो चुका है। और 66 एडी से 70 एडी तक रोज रात को परमेश्वर के मंदिर के जो फाटक थे वो इतने बड़े थे कि 20 याजक उनको मिलकर के बंद किया करते थे, इतने बड़े और भारी फाटक थे। लेकिन रोज रात को परमेश्वर के मंदिर के फाटक जो हुआ करते थे वो अपने आप ही बंद हो जाया करते थे और परमेश्वर ने सिग्नल देना शुरू कर दिया था कि मैं तुम्हारी आराधना से खुश नहीं हूं और मैं तुम्हारे जीवनों से भी खुश नहीं हूं। और यहूदी लोग थर थर कांपने लग गए
और उस जमाने के एक महान यहूदी ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने महायाजक को भी ये चेतावनी दे दी थी कि परमेश्वर का मंदिर नष्ट होने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर खुद ही संकेत दे रहा है कि परमेश्वर हमसे भयानक रूप से नाराज हो चुका है। और जिस तरह से परमेश्वर के मंदिर के फाटक यहूदियों के लिए बंद हो जाया करते थे, प्रतिदिन बंद हो जाया करते थे अपने आप, उसी प्रकार से आज परमेश्वर ने हमारे मुंह पर, हमारे चेहरों पर अपने भवन के फाटकों को बंद कर दिया। यह हमारे लिए चेतावनी परमेश्वर ने भेजी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अभी वैक्सीन लगाएंगे और फिर कलीसियाओं में जाकर के वही राजनीति का, सियासत का गंदा खेल खेलना वापस शुरू कर देंगे। हम वही सोच रहे हैं। अभी ये पादरी साहब जो है, इन्होंने बहुत मजे कर लिए 2 साल तक, अभी एक बार मेरे को कलीसिया में जाने तो दो, उसके बाद इसकी सारी मस्ती निकालता हूं, समझ रहे। तो परमेश्वर ने समय दिया है रिपेंट करने का, मन फिराने का, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्या हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं या हम उस समय का दुरुपयोग कर रहे हैं। और वैसा ही हो रहा है, मसीही लोग जो हैं परमेश्वर की निंदा करने में लगे हुए हैं। अगर परमेश्वर वास्तव में होता तो ये कोरोना वायरस नामक महामारी को उसने आने क्यों दिया? यदि परमेश्वर वास्तव में होता तो एक भी मसीही जो है वो कोरोना वायरस से नहीं मरता। ऐसे प्रश्न जो है वो मसीही लोग कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं साहब, और इससे ज्यादा और क्या बात कर सकते हैं। तो जैसा प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि अंत के दिनों के लोग जो होंगे, जितनी भी विपदाएं पृथ्वी पर आएंगी वो परमेश्वर की ही निंदा करेंगे, मन नहीं फिराएंगे, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे समय में होता चला जा रहा है। अब तीसरा प्रमाण जो है उसकी एक झलक आपने बीते दिनों टीवी के ऊपर भी देख ली, और टीवी के ऊपर आपने वो झलक जो देखी जब इज़राइल और हमास के बीच में बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था, आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा, टीवी के ऊपर न्यूज चैनल्स के अंदर देखा, आप लोग तो बड़े कंफ्यूज से रहे होंगे। लेकिन तीसरा प्रमाण यह है कि यीशु मसीह वापस आने वाला है, वो ये है जो जकरिया की पुस्तक में दिया हुआ है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसके 2, 3 और 6 वचन के अंदर ये बात जो है, ये भविष्यवाणी जो है वो बताई हुई। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक के 12 अध्याय के 2 वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं यरूशलेम को दुनिया के सारे देशों के लिए एक मदिरा का कटोरा बना दूंगा। अब देखिए, एक शराबी है और ढेर सारे शराबियों को आप खड़ा कर दीजिए, ढेर सारे शराबियों को, और जिनको महीने भर से शराब पीने को नहीं मिली है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, ढेर सारे शराबियों को खड़ा कर दीजिए जिनको महीने भर से शराब पीने को नहीं मिली है, और उनके बीच में आप शराब का एक गिलास या एक बोतल को रख दीजिए, तो सारे शराबी क्या करेंगे, उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। उसी प्रकार से यहां पर परमेश्वर कहता है जकरिया, उसका 12 अध्याय उसके 2 वचन में, कि मैं यरूशलेम को अंत के दिनों में एक लड़खड़ा देने वाला मदिरा का कटोरा, मद का कटोरा बना दूंगा। जैसे शराबी लोग शराब को देख करके लालच करते हैं, ऐसी पूरी दुनिया के देश जो हैं वो यरूशलेम के कारण लालच करें। और 3 वचन के अंदर लिखा है मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाने का प्रयास करेंगे वो अपने आप को घायल करेंगे। और उसके बाद 6 वचन में लिखा हुआ है कि यरूशलेम के कारण एक बहुत बड़ा युद्ध अंत के दिनों के अंदर लड़ा जाएगा। यानी जकरिया की भविष्यवाणी जो है वो इस बात को साफ तौर से बताती है कि अंत के दिनों का एक चिन्ह होगा कि दुनिया के सारे देश जो है वो यरूशलेम का लालच करेंगे। अब आप देख लीजिए, 57 मुस्लिम कंट्रीज जो थे उन्होंने इज़राइल के ऊपर हमला करने की योजना बना ली थी, क्योंकि उनको यरूशलेम चाहिए। उधर इज़राइल के समर्थन में जो लोग, जो देश थे, वो इज़राइल की तरफ से खड़े हो गए थे क्योंकि उनको भी यरूशलेम चाहिए। उधर संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो यरूशलेम को अपना इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहता है, वहां पर जनरल असेंबली का हेड ऑफिस बनाना चाहता है। यूनाइटेड नेशंस को भी यरूशलेम चाहिए। रोमन कैथोलिक चर्च जो है
वो यरूशलेम को, यरूशलेम के अंदर रोमन कैथोलिक चर्च का हेड ऑफिस बनाना चाहता है, उनको भी यरूशलेम चाहिए। पूरी दुनिया के लिए यरूशलेम जो है वो एक मदिरा का कटोरा हो रखा है, जैसा परमेश्वर ने कहा था। और परमेश्वर ने इस बात को बताया था कि अंत के दिनों में बहुत सारे देश मिलकर के यरूशलेम के ऊपर हमला करेंगे, उसको घेर लेंगे और एक बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा अंत के दिनों में सिर्फ यरूशलेम के कारण। और आज हमने एक झलक देखी है बीते दिनों की, कैसे यरूशलेम के कारण उस युद्ध की चिंगारी जो है वो भड़क चुकी, उस युद्ध की चिंगारी भड़क चुकी है। वो चिंगारी कब आग के अंदर तब्दील होती है वो अब हमको देखना बाकी रह गया है। और देखिए, इज़राइल का बंटवारा करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, इज़राइल का बंटवारा करने यानी इज़राइल को आधा आधा तोड़ने की योजनाएं बनाई जा रही हैं, और यरूशलेम जो है उसको फिलिस्तीनियों की राजधानी बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। और बाइबल की भविष्यवाणियां बताती है कि जब वो पाप का पुरुष आ जाएगा, वो एंटी क्राइस्ट जब आ जाएगा, तो इज़राइल का पार्टीशन वो कर देगा। जैसे भारत पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, उसी प्रकार का पार्टीशन जो है वो इज़राइल का हो जाएगा। इज़राइल दो टुकड़ों के अंदर बट जाएगा और यरूशलेम भी इज़राइल से अंत के दिनों में छीन लिया जाएगा। और इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जब यीशु मसीह इस संसार के अंदर आएगा, तो यीशु मसीह जब न्याय करेगा देश देश के लोगों का, तो उस न्याय के अंदर जो मुकदमा लड़ा जाएगा उसमें एक और अहम चीज के ऊपर मुकदमा लड़ा जाएगा। और क्या बताया गया है बाइबल में, योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ें, तो योएल उसका तीसरा अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है, परमेश्वर कहता है मैं उन सारे देशों से मुकदमा लड़ूंगा जिन्होंने मेरे देश को बांट दिया, मेरे देश का पार्टीशन जिन्होंने कर दिया, मैं उन सारे देशों से मुकदमा लड़ूंगा। और बाइबल में लिखा है मैं अंत के दिनों में यरूशलेम को ऐसा भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाने का प्रयास करेंगे वो अपने आप को घायल करेंगे। और इसीलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि यरूशलेम के मामले में भारत को हाथ नहीं डालना चाहिए, भारत को किनारा कर लेना चाहिए। वैसे भी भारत तटस्थ ही रहता है, अलग ही रहता है, तो यरूशलेम के मैटर में भारत को हाथ भी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यहां पर बात जो है वो सर्वशक्तिमान की है। और सर्वशक्तिमान ने कहा है कि मैं यरूशलेम को इतना भारी पत्थर बनाऊंगा अंत के दिनों में कि जो उसको उठाने का प्रयास करेगा, जो भी देश उसको उठाने का प्रयास करेगा, वो अपने आप को घायल कर ले। अब देखिए, पत्थर से अपने आप को घायल कौन करता है? सिर्फ जो पागल होता है, मेंटल जो होता है, वो ही पत्थर लेकर के अपने आप को घायल करता है। तो बाइबल एक झलक बताती है कि अंत के दिनों में दुनिया के देशों की मानसिकता कैसी हो जाएगी, मेंटल जैसी हो जाएगी यरूशलेम को लेकर के, कि परमेश्वर का सर्वशक्तिमान का नगर है, उसको लेकर के उसके ऊपर हाथ डालने की कोशिश जब लोग करेंगे तो वही काम करेंगे जैसे एक मेंटल पत्थर लेकर के काम करता है। तो यरूशलेम को लेकर के एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जाएगा अंत के दिनों में, और उस युद्ध की चिंगारी जो है वो सुलग चुकी है, जिसको हमने बीते दिनों देखा टीवी पर, अखबारों में पढ़ा, और अब हम उस युद्ध को देखने जा रहे हैं। और ये इस बात का प्रमाण हमारे सामने प्रकट कर रहा है कि यीशु मसीह के वापस आने का समय हो रहा है। क्योंकि जब ये युद्ध लड़ा जाएगा, अब जकरिया का 12 अध्याय आगे पढ़े तो वहां पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर यरूशलेम को बचाएगा और उसके बाद पवित्र आत्मा यहूदियों के ऊपर उतर जाएगा और वो यीशु मसीह को पहचान ले। यानी कि हम बिल्कुल किनारे के ऊपर अब आ गए हैं, जो हो नहीं सकता है उसको हम अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। अब चौथा प्रमाण कि हम अंत के दिनों में हैं और यीशु मसीह वापस आने वाला है, वो चौथा प्रमाण है प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय 16 से लेकर 18 वचन के अंदर वो बात जो है वो बताई हुई। मास्क ऑफ द बीस्ट तक तो हम आ गए, हम मास्क लगा करके घूम रहे हैं, और आप देखिए मॉल्स के बाहर लिखा हुआ है, अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है कि जिसने मास्क नहीं लगाया वो अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है।
सरकार के कानून आ रहे हैं कि जो दुकानदार मास्क नहीं लगाएगा वो कोई सामान बेच नहीं सकेगा, जो खरीदार मास्क नहीं लगाएगा वो कुछ वहां से उस दुकानदार से खरीद नहीं सकेगा, यानी कोई खरीद नहीं सकेगा, बेच नहीं सकेगा मास्क के बिना। अब थोड़े दिनों के अंदर एक और कानून आने वाला है कि जो वैक्सीन नहीं लगाएगा वो ना तो बेच सकेगा कोई भी सामान और ना किसी दुकान से खरीद सकेगा, समझ रहे हैं? तो वो पैटर्न जो है, वो जमाना जो है जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में बताया हुआ है कि ना तो बेच सकेंगे ना खरीद सकेंगे उस मार्क के बिना, वैसे ही जमाने के अंदर आज हमने प्रवेश कर लिया है, वैसे ही जमाने में प्रवेश कर लिया है। अब अमेरिका के लोगों के शरीरों में कोरोना वायरस को पकड़ने वाली चिप लगाई जा रही, उसके बाद कुछ और लेकर के आया जाएगा, लेकिन उस जमाने के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। और यहां पर ये मार्क ऑफ द बीस्ट जो कहा गया है, कई साल पहले एक लेखिका थी, उन्होंने पुस्तक को लिखा था और उस पुस्तक के अंदर उन्होंने इस बात को बताया था कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों का जो डेटा है वो लग्जमबर्ग के अंदर एक सुपर कंप्यूटर में सेव किया गया है, और लग्जमबर्ग में वो सुपर कंप्यूटर जो है वो 3 मंजिला सुपर कंप्यूटर है, और उस सुपर कंप्यूटर का नाम जो है वो लग्जमबर्ग के अंदर जो स्थापित किया गया है उसका नाम है द बीस्ट, यानी कि पशु उसका नाम है। और क्यों पूरी दुनिया के लोगों का डेटा लग्जमबर्ग के उस सुपर कंप्यूटर में सेव किया गया है आज तक ये बात किसी को भी पता नहीं। तो आप समझ रहे हैं बात को, वो जमाना जिसके बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है उस जमाने के अंदर आज हम आ गए हैं। और ये कोरोना वायरस ने तो 666 और मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार कर दिया है, और जितना ये कोरोना वायरस फैल रहा है उतना ही ज्यादा 666 के लिए और मार्क ऑफ द बीस्ट के लिए प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार होता चला जा रहा है। और हमको नहीं पता कि मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, पशु की छाप जो है, हो सकता है कि वो किसी बीमारी से बचाने वाली वैक्सीन हो, हमको नहीं पता। हमको बताया ही नहीं गया है कि मार्क ऑफ द बीस्ट वास्तव में होगा क्या, लेकिन हो सकता है कि वो एक चिप हो सकता है वो कोई टैटू हो सकता है वो कोई और चीज हो, लेकिन हम किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आज हम उस जमाने को अपनी आंखों के सामने आते हुए देख रहे। और पांचवा और अंतिम और सबसे बड़ा चिन्ह जो अंत के दिनों का है, जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का है, वो पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:32-33। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24:32-33 के अंदर यीशु ने अपने दूसरे आगमन का एक सबसे बड़ा चिन्ह बताया। यीशु ने कहा कि अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और उसमें से पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। वैसे ही जब तुम उस अंजीर के पेड़ को फलते फूलते हुए देखो तो जान लो कि मैं वापस इस संसार में आने वाला। अपने दूसरे आगमन का सबसे बड़ा चिन्ह यीशु ने अंजीर के पेड़ का वापस से फलना और फूलना अपनी भविष्यवाणी में बताया था। देखिए यीशु ने क्या कहा था, यीशु ने कहा था कि अंजीर का पेड़ वापस से फलेगा फूलेगा, यानी कि अंजीर का पेड़ सूख जाएगा, इसी वजह से तो वो वापस से फलेगा फूलेगा। और बाइबल की भविष्यवाणियों में अंजीर का जो पेड़ है वो यहूदी राष्ट्र का, यहूदी जाति का, इज़राइल देश का प्रतीक बताया गया है। परमेश्वर ने अनेकों अनेक जगहों के ऊपर इस बात को कहा है, यहूदी जाति की तुलना परमेश्वर ने अंजीर के पेड़ से की है। और यीशु ने इस बात का संकेत दिया था कि अंजीर का पेड़ यानी यहूदी जाति सूख जाएगी, और यीशु के स्वर्ग जाने के 40 सालों के बाद जब रोमन सेना ने यरूशलेम का, इज़राइल का विनाश किया
तो लगभग लगभग 1900 सालों तक यहूदी जाति सूख गई थी। लगभग लगभग 1900 सालों तक इज़राइल देश का अस्तित्व ही नहीं पाया जाता था। यहूदी लोग दुनिया के 100 देशों में तितर बितर हो रखे थे बीते 1900 सालों से। लेकिन यीशु ने कहा था, सबसे बड़ा चिन्ह दिया था, यीशु ने कहा था वो अंजीर का पेड़ वापस से फलेगा, वो वापस से फूलेगा और तुमको पता चल जाएगा कि मैं वापस इस संसार में आने वाला। और 1948 में यीशु की ये भविष्यवाणी पूरी हो गई थी जब इज़राइल का वापस से जन्म हुआ था। और जब इज़राइल का 1948 में वापस से जन्म हुआ तो अंजीर के पेड़ ने फलना फूलना शुरू कर दिया। लेकिन जब इज़राइल को बने हुए 10 सालों का समय हो गया था, यानी 1958 हो गए थे, इज़राइल को बने हुए जब एक दशक हो गया था पूरा, तो एक दशक की खुशी में इज़राइली सरकार ने एक सोने का सिक्का जारी किया था। और इज़राइल का जो नेशनल बैंक है उसने वो सोने का सिक्का जारी किया था, जिसको आप यहां पर देख सकते हैं। ये वो सोने का सिक्का था जो इज़राइली सरकार ने जारी कराया था। और इस पे यहां पर लिखा हुआ है इसके सामने की तरफ जूडिया कैप्टा, जिसका मतलब होता है कि कैसे रोमन लोगों ने यहूदिया के ऊपर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। यहां पर एक रोमन सैनिक को खड़े हुए दिखाया गया है और यहां पर यहूदी महिला जो है वो बैठ करके विलाप करती हुई दिखाई गई। लेकिन इसी सिक्के के दूसरे पहलू पर पीछे की ओर आप देख सकते हैं इजरायली सरकार जो थी उसने ये नक्काशी करवाई थी, नीचे लिखा हुआ है इज़राइल लिबरेटेड 1948। और एक महिला जो है वो एक शिशु को लेकर के आनंद मना रही है खजूर के पेड़ के तले, और नीचे एक पुरुष बैठ करके पौधे को लगा रहा है। और जब मैंने इस सिक्के को देखा था तो ये सिक्के के ऊपर जो नक्काशी हुई इसके सामने का पहलू जो था उसको तो मैं देख करके ही समझ गया था कि यहां पर इस बात को बताया हुआ है कि कैसे रोमन सेना ने यरूशलेम पर इज़राइल के ऊपर अधिकार किया था और उसको तबाह कर दिया। लेकिन सिक्के के पीछे जो स्त्री दिखाई गई है जो शिशु को लेकर के खड़ी हुई है और जो पुरुष पौधा लगा रहा है, वो नक्काशी क्या है वो मुझको समझ में नहीं आई थी। तो मैंने इज़राइल का जो नेशनल बैंक है जिसने 1958 में ये सिक्का जारी किया था उनको मैंने पत्र लिखा, और नेशनल बैंक का जो डायरेक्टर था उसने उस पत्र का जवाब इज़राइल से मुझको भिजवाया। और उस जवाब के अंदर लिखा हुआ था कि ये स्त्री जो यहां पर दिखाई हुई है इस सिक्के के पीछे, नेशनल बैंक के डायरेक्टर ने इज़राइल के बताया कि स्त्री यहां पर जो दिखाई हुई है जो शिशु लेकर के खड़ी हुई है ये रिबका है, जिसने नवजात याकूब को, नवजात इज़राइल को हाथों में उठाया हुआ है। यानी स्त्री जो है वो इज़राइली जाति की माता रिबका है जिसने याकूब को, इज़राइल को हाथों में उठाया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इज़राइल का एक शिशु के रूप में वापस से जन्म हो चुका है। और साथ ही साथ नेशनल बैंक के जो डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि नीचे ये जो पुरुष बैठा हुआ है ये पुरुष जो है वो वास्तव में एक यहूदी किसान है जो पवित्र भूमि में यरूशलेम के अंदर, यरूशलेम की जमीन में एक अंजीर के पौधे को लगा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इज़राइल ने एक अंजीर के पेड़ के रूप में, अंजीर के पौधे के रूप में वापस से पवित्र भूमि में पनपना शुरू कर दिया है। यानी वही बात जो यीशु ने अपने शिष्यों को कही थी कि जब वो अंजीर का पेड़ वापस से फलता हुआ, पनपता हुआ तुमको दिखाई दे जाए तो तुम समझ जाना कि मैं वापस आने वाला हूं, उसी बात को खुद इजरायली सरकार ने उस सिक्के के ऊपर बताया कि वास्तव में इज़राइल ने एक अंजीर के पेड़ के रूप में पनपना शुरू कर दिया है। यीशु मसीह के दूसरे आगमन का सुपर साइन जो है वो हमारे सामने आ गया। और आज जब इज़राइल पूरी दुनिया के अंदर, इज़राइल का डंका बजा हुआ है, वो फल रहा है, फूल रहा है, परमेश्वर दुनिया को दिखा रहा है कि परमेश्वर इज़राइल को वापस उनके देश में ले आया है। यीशु की भविष्यवाणी को परमेश्वर ने पूरा करके दिखा दिया है और ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह वापस आ रहा है, वापस आ रहा है। देखिए, इज़राइल का डंका पूरी दुनिया में बचा हुआ है। 1900 सालों तक इज़राइल देश का अस्तित्व नहीं पाया जाता था।
लेकिन आज 72-73 सालों के अंदर इज़राइल कहां से कहां पहुंच गया है, कहां से कहां पहुंच गया है। इज़राइल की जासूसी संस्था मोसाद से टकराने की कोई भी जरूरत नहीं करता है। इज़राइल की जासूसी संस्था मोसाद का लोगो जो है, उनका एम्बलम जो है, वो कहता है कि ना तो हम भूलते हैं और ना हम माफ करते हैं। इज़राइल के दुश्मनों को हम भूलते भी नहीं हैं और माफ भी नहीं करते हैं, ये उनका लोगो है। आज देखिए 57 कंट्रीज एक तरफ खड़े हुए थे, एक इज़राइल पिद्दा सा इज़राइल जो है वो एक तरफ खड़ा हुआ था, लेकिन 57 कंट्रीज मिलकर के भी इज़राइल के ऊपर हमला करने की जरूरत नहीं कर पा रहे थे। ये परमेश्वर का ही तो काम है। हम कहते हैं परमेश्वर पुराने नियम में काम करता था, आज वैसा काम नहीं कर रहा है। अरे हमारी आंखों के सामने काम कर रहा है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। 57 देश मिलकर के एक ऐसे देश के ऊपर हमला करना की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, जो दुनिया के नक्शे पर दिखता भी नहीं है कि कहां पर है। परमेश्वर काम कर रहा है, पूरी दुनिया में इज़राइल का डंका बजा हुआ है। परमेश्वर ने याकूब को बेतेल के अंदर प्रॉमिस दिया था कि तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों के लोग आशीष पाएंगे, और याकूब का वंश यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों के लोग तो आशीष पा ही रहे हैं, लेकिन याकूब का वंश यहूदी लोग जो हैं उनके द्वारा भी पूरी पृथ्वी के लोग आशीष पा रहे हैं। दुनिया के अंदर जितनी भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हुए देखते हैं, खुद भी करते हैं, वो सब की सब यहूदियों ने बनाई, सब कुछ यहूदियों ने बनाया। या आप ऑनलाइन सेशन जो घर में बैठ करके कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को भी यहूदियों ने बनाया है। अगर यहूदी इस टेक्नोलॉजी को नहीं बनाते तो हम कभी ऑनलाइन चर्च भी नहीं चला पाते। यहूदियों का डंका बजा हुआ है, और ये कोरोना वायरस नहीं आता तो यहूदियों ने कैंसर का इलाज भी ढूंढ लिया था। ये कोरोना वायरस के आने की वजह से वो कैंसर के इलाज के अंदर वैक्सीन आने में देरी हो गई, वरना अब तक तो कितनी जिंदगियां बच चुकी होती, क्योंकि वैक्सीन इज़राइल ने बना ली थी 2019 में। तो परमेश्वर ने याकूब को बेतेल में प्रॉमिस किया था, तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों के लोग आशीष पाएंगे। आज हम घर में जो एसी चला करके आराम करते हैं, हमको मजा आ जाता है ठंडक में, उस एसी को यहूदी लोगों ने बनाया है। आप जो घर में टीवी देखते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यहूदी लोगों ने बनाया है। आप जो एलईडी देखते हैं, उस टेक्नोलॉजी को यहूदियों ने बनाया। आपके जो मोबाइल है, मोबाइल यहूदियों ने बनाए हैं। एसएमएस टेक्नोलॉजी को यहूदियों ने बनाया है। व्हाट्सएप को, फेसबुक को, यूट्यूब को, ट्विटर को, आप किसी भी चीज को ले आए, एंटीवायरसेस को, सोलर वाटर हीटर को, बिजली के बल्ब को, जितनी भी चीजों के नाम आप अपनी जुबान के ऊपर लेंगे, वो सब यहूदियों ने बनाई। एप्पल को यहूदियों ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट को यहूदियों ने बनाया है, गूगल को यहूदी लोगों ने बनाया है। आप क्या नाम लेंगे जो यहूदियों ने बनाया है? नहीं बनाया है। और आज जब लोग कहते हैं कि इज़राइल का बॉयकॉट करो, तो अगर इज़राइल का बॉयकॉट कर दिया तो पाषाण युग में जीने की तैयारी भी कर लो, क्योंकि इज़राइल का बॉयकॉट किया ही नहीं जा सकता है। दुनिया में ये सारे ऐशो आराम जो हैं वो यहूदियों ने ही बना करके दिए, यहूदियों ने बना करके दिए। इसलिए दुनिया के सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, सारी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, उनके ऑफिसेज, हेड ऑफिसेज तेल अवीव के अंदर पाए जाते हैं, तेल अवीव में पाए जाते हैं। अमेरिका भी इतने पेटेंट नहीं कराता है जितने पेटेंट प्रति वर्ष इज़राइल कराता है। इतनी नई टेक्नोलॉजी इज़राइल बनाता है प्रति वर्ष। यीशु ने कहा था वो अंजीर का पेड़ वापिस से पनपेगा, उसको तुम पनपते हुए देखोगे, और ये इस बात का प्रमाण होगा कि मैं वापस इस संसार के अंदर आने वाला हूं। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु इस संसार में वापस आ रहा है। इज़राइल का जन्म हो चुका है, वो एक शक्ति बन चुका है, और अब यरूशलेम के लिए वो युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। अंत के दिनों के चिन्ह पूरे हो रहे हैं, और उन चिन्हों को देखने के बाद भी यदि हम अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध करके बैठ जाएं, तो हमसे ज्यादा अभागा
और हमसे ज्यादा मूर्ख व्यक्ति इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं होगा। इब्रानियों का लेखक कहता है यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए वापस आ रहा है जो उसके आने की बाट जो रहे हैं। सबके लिए नहीं, सबको रैप्चर में लेकर के नहीं जाएगा, लेकिन जो उसके आने की बाट वास्तव में अपने मन से जो रहे हैं, प्रभु आप आ जाओ रोज प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह उनके लिए आ रहा है और वो आ जाएगा। तो अब समय आ गया है कि जब भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं, परमेश्वर एक अद्भुत काम कर रहा है, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। और तैयारी कैसे करें? हम तैयार तो होना चाहते हैं, लेकिन तैयारी करें कैसे? हम कैसे तैयारी करें यीशु के आने की? सबसे पहला काम जो हमको करना है, हमको अपने जीवन को एनालाइज करना है, जांचना है अपने जीवन को कि हमारे जीवन के अंदर कहां कहां पर पाप अभी भी फंसे पड़े हैं, हम कहां कहां पर अभी भी फंसे पड़े हैं। हमको जांचना है, उन पापों को परमेश्वर के सामने लाना है और माफी मांगनी है और उनको छोड़ देना है। देखिए, एक वचन पौलुस ने लिखा, उस वचन के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि हमको किस प्रकार से अपने आत्मिक जीवन की तैयारी करनी है यीशु के दूसरे आगमन की। दूसरा कुरंतियों उसका 7 अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर पौलुस ने एक बात लिखी है, उस वचन को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने संदेश को समाप्त करेंगे। दूसरा कुरंतियों 7 अध्याय उसके पहले वचन में पौलुस कहता है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। यहां पे पौलुस 3 बातों को बोल रहा है। पौलुस कह रहा है कि अब जब सब कुछ पूरा हो रहा है तो हमारा दायित्व क्या बनता है, तैयारी कैसे करें। पहली चीज जो हमको करनी है, जो मैंने कहा, हमको पश्चाताप करना है अपने बुरे कामों से, पापों से, और उनको छोड़ना है। यहां पे पौलुस कहता है कि हमको शरीर की सारी मलिनता से खुद को शुद्ध करना है। शरीर की मलिनता यानी कि वो पाप जिनके अंदर हम विश्वासी कहलाने के बाद भी आज फंसे हुए हैं, शरीर की मलिनता से हमको मुक्त होना है, उन पापों से हमको पश्चाताप करना है, उनको अब हमको रिजेक्ट करना है, और उसके बाद हमको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। और लिखा हुआ है कि शरीर की भी और आत्मा की भी मलिनता से हमको अपने आप को शुद्ध करना है। आत्मा की मलिनता क्या होती है? दुष्ट आत्माओं के कामों के अंदर जो लोग सहभागी होते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के साथ अपनी आत्मा का संबंध स्थापित करते हैं। जादू टोने में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो लोग जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं या दुष्ट आत्माओं को बुलाते हैं, वो अपनी आत्मा का संपर्क दुष्ट आत्माओं के साथ करते हैं और इस प्रकार से उनकी आत्मा जो है वो दूषित हो जाती है, गंदी हो जाती है। और इसीलिए लिखा हुआ है कि शरीर की मलिनता से तो मुक्त हो ही हो, आत्मा की मलिनता से भी तुम शुद्ध हो जाओ। यानी कि वो सारे काम जो दुष्ट आत्माओं से मिल करके लोग करते हैं, उनको भी छोड़ करके परमेश्वर से माफी मांगनी। आज बहुत सारे मसीही लोग हैं और ये बात जो है वो पास्टर लोग बोलने से डरते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, बहुत सारे मसीही लोग हैं जो जादू टोना करने वालों के पास जाते हैं, जिनके घर के अंदर बाबा लोगों को इन्वाइट किया जाता है, फ्राइडे के दिन बाबा लोग आकर के मोर के पंखों का झाड़ा करके जाते हैं। बहुत सारे मसीह लोग सर्वशक्तिमान परमेश्वर को त्याग करके मसीही लोग आज कहां फंसते चले जा रहे हैं। और इसीलिए लिखा है, शरीर की और आत्मा की मलिनता से खुद को शुद्ध करो। और आगे पौलुस कहता है, परमेश्वर का भय रखो। देखिए, परमेश्वर का भय नहीं है इसकी वजह से लोग आज पाप कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। यदि हम इस बात को मान लें कि परमेश्वर हर एक चीज को देख रहा है, तो फिर हमारी पाप करने की हिम्मत नहीं होगी, फिर हिम्मत नहीं होगी। हम सोचेंगे पाप करने का,
पाप करने के कगार पर भी पहुंच जाएंगे लेकिन पाप कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब एक बार हमने अपने मन के अंदर इस बात पर विश्वास कर लिया कि परमेश्वर देख रहा है, वो न्याय करेगा एक एक बात का, जब हमारे अंदर परमेश्वर का डर होगा तो फिर हम वास्तव में अपनी तैयारी करने में लग जाए। देखिए, अगर हम तैयारी नहीं करते हैं यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए, अब यीशु मसीह अभी 10 साल में आता है, 50 साल में आता है, 100 साल में आता है, हमारे पास डेट तो है नहीं, लेकिन मृत्यु तो हमारी आनी आनी है। यीशु मसीह आए या नहीं आए, मृत्यु तो हमारी आनी ही आनी है, दुनिया में कोई भी नहीं रोक सकता है। जब इब्राहिम की मृत्यु आ गई तो हम तो अपनी मृत्यु रोक ही नहीं सकते, जब दाऊद की मृत्यु आ गई तो हम तो अपनी मृत्यु रोक ही नहीं सकते, तो मृत्यु तो आनी आनी है, तो उसके बाद हमारी अनंत मंजिल क्या होगी, हम कहां जा रहे हैं। परमेश्वर का भय हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। यदि आप वास्तव में तैयारी करना चाहते हैं यीशु के दूसरे आगमन के लिए, परमेश्वर का भय आपके अंदर होना चाहिए। और तीसरी बात, पौलुस जो है वो कहता है कि पवित्रता को सिद्ध करो, पवित्रता के अंदर सिद्ध होते चले जाओ। पवित्रता के अंदर सिद्ध होने का मतलब ये नहीं है कि हम व्यभिचार से बचे रहें, सिर्फ व्यभिचार से बचना पवित्रता में नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह ने पूरी लिस्ट दी थी अपने चेलों को कि पवित्रता के अंदर कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं। हम सोचते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं कर रहा हूं यानी मैं पवित्र हूं, लेकिन यीशु ने क्या कहा, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7:20 से लेकर 23 वचन के अंदर, मरकुस रचित सुसमाचार 7:20 से लेकर 23 वचन के अंदर यीशु ने पूरी लिस्ट दी, और यीशु ने अंत में कहा कि ये ही वो चीजें हैं जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, अपवित्र करती हैं। यानी पवित्रता को सिर्फ हम ऐसे ही सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि हम व्यभिचार से बचे रहें, मैंने तो व्यभिचार नहीं किया, मैं तो बिल्कुल शुद्ध हूं, पवित्र हूं, मैं तो स्वर्गदूत हूं, लेकिन वहां पर यीशु ने लिस्ट दी और यीशु ने इतने काम बताए कि अगर तुम ये सब काम कर रहे हो तो तुम अपने आप को अपवित्र कर रहे। यानी कि हमको कितना ज्यादा सचेत और गंभीर अब अपने आत्मिक जीवन के विषय में हो जाना है, रिपेंट करना है, अंधकार के कामों को तजना है, उन पर उल्हाना देनी है, और उसके बाद परमेश्वर का भय हमको रखना है, और उसके बाद हमको पवित्रता के अंदर सिद्ध होते चले जाना। ये एक दिन का काम नहीं है, ये 2 दिन का काम नहीं है, ये जीवन भर चलने वाला प्रोसेस है। तो यीशु मसीह सिर्फ उनके लिए आ रहा है जो उसके आगमन की बाट जोड़ रहे हैं।